हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू बाइकर डैड लाइफ। कैसे हो आप लोग? मैं तो हूँ बहुत ही बढ़िया। तो जैसे आप लोग ने थंबनेल देख लिया है, मैं आया हूँ अभी शेला यामा हियर इन पुणे, एंड विदाउट एनी अडू मैं आपको दिखाता हूँ यामा की लेटेस्ट ऑफरिंग जो है वो है यामा की एरॉक्स 155। तो चलो जाके देखते हैं कैसी है वो। तो यस, आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सन के अपोजिट लाइट में खड़ा हूँ तो थोड़ा सा वीडियो में आपको देखने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू शो यू द स्कूटर दैट इज़। तो जैसे आप लोग देख रहे हो, ये है लेटेस्ट ऑफरिंग बाय यामा। दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ मैक्सी स्कूटर, जिसको कहते हैं हम मैक्सी स्टाइल स्कूटर रादर। तो बेसिकली मैक्सी स्कूटर जो होती है उस पर ये वाला जो आर्क है ये बना रहता है, उसके वजह से ये मैक्सी स्कूटर कहते हैं इसको। और दूसरी बात यह है कि ये बड़े सीसी के सेगमेंट की स्कूटर होती है, तो दैट इज़ द रीज़न वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ मैक्सी स्कूटर। प्राइसिंग के बारे में अगर आपको मैं बताऊं तो प्राइस चालू होता है इसका 1x शोरूम, और ऑन रोड प्राइस इसका ऑब्वियसली 1.5 लाख तक आराम से जाएगा। तो थोड़ा हाई प्राइस की स्कूटर ये है, तो नॉर्मली एंथुजियास्ट ज़्यादा खरीदेंगे ऐसी काइंड की स्कूटर। तो बेसिकली इसमें 3 कलर मिलेंगे। ये अभी जो आप देख रहे हो सामने, ये है मॉन्स्टर एनर्जी वाला कलर, इसमें और एक फुल ब्लू में आएगा, और एक जो तीसरा कलर है वो वाइट और रेड में आएगा। तो बेसिकली 3 कलर्स मिलेंगे आपको इसमें। तो अगर इंजन के बारे में बताऊं मैं इसके, तो इसमें लगा हुआ है सेम R15 का जो इंजन है वही वाला इंजन लगा हुआ है। तो ऑब्वियसली इसका जो पावर डिलीवरी है वो थोड़ा कम है एज़ कम्पेयर टू दी R15, दैट इज़ ये देती है अराउंड 15 PS ऑफ पावर, बल्कि R15 जो देती है 18.4 PS ऑफ पावर। दोनों में ऑब्वियसली लिक्विड कूल इंजन है, तो इसका मतलब ये बनता है कि इस पर आपको लो एंड टॉर्क अच्छा मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। तो लो एंड टॉर्क मिलने से आपको जो सिटी राइडिंग है वो बेहतरीन होगी एज़ कम्पेयर टू द R15। इसके वेट के अगर बारे में बताऊं तो ये इसका वेट है लगभग 126 kgs। तो ये है अराउंड 3 kgs लाइटर दैन दी एप्रिला 160, और पावर भी इसका ज़्यादा है ऑब्वियसली उससे। और बर्गमैन इससे 16 किलो ज़्यादा लाइट है अगर आप जानना चाहोगे तो। साइजिंग में भी अगर देखोगे तो काफ़ी बड़ी साइज़ की दिखती है बाइक। साइड से भी अगर पीछे से भी आपको दिखाऊं तो काफ़ी बड़ी साइज़ है इसकी कंपैरेटिवली। ग्राउंड क्लियरेंस भी अगर देखोगे तो ठीक ठाक लग रहा है मुझे। अभी जब मैं इसका ट्रायल वीडियो निकालूंगा, रादर टेस्ट ड्राइव करूंगा, तब आपको बताऊंगा। सिर्फ मुझे एक ही कंसर्न है कि थोड़ी लंबी है, तो होपफुली ये नीचे टच नहीं हो ऑन बिग स्पीड ब्रेकर्स। आगे के फोक्स अगर आप देखोगे तो काफ़ी पतले लग रहे हैं, बट आई गेस ये मैक्सी स्टाइल स्कूटर है, इसीलिए जो इसका आगे का ये जो फेशिया है ये काफ़ी बड़ा कर दिया है, बट आई डोंट थिंक दैट शुड बी अ प्रॉब्लम। और पीछे अगर आप देखोगे तो डुअल शॉक अब्जर्व्स दिए गया है, उससे क्या होगा कि काफ़ी जो अब्जॉर्प्शन अच्छा हो जाएगा। नॉर्मली ये हमें मोटरसाइकिल्स में देखने मिलता है डबल सस्पेंशन। ब्रेकिंग आगे देखोगे तो यहाँ पर सिंगल चैनल ABS है, और पीछे ऑब्वियसली आपको ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे यहाँ पर पीछे। टायर्स का मैं अगर बताऊँ तो इसमें लगे हुए 14-inch के रिम्स, जो कि काफ़ी बड़े हैं, इससे क्या होगा आपको अच्छी हैंडलिंग मिलेगी। और आगे का जो सेक्शन टायर है वो है 110/80 का, तो दैट इज़ क्वाइट अ फैट टायर दैट इज़। पीछे का तो आई एम रियली इम्प्रेस्ड, ये एक सेगमेंट लीडर है बेसिकली पीछे का टायर। ये पीछे का टायर है अराउंड 140/70 का, पीछे का सेक्शन टायर है जो कि एक क्लास लीडर है और बहुत ही बड़ा है, काफ़ी चौड़ा है। तो आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय दैट फ्रॉम यामा। आगे अगर आप देखोगे तो इसमें LED लगे हुए हैं, मैं आपको अभी जब टेस्ट राइड लूँगा तभी बताऊँगा। ये वाले LEDs है और ये DRLs लगे हुए हैं। दिस रिमाइंड्स अस ऑफ दी R15 version 3, काफ़ी सिमिलर है उसके। और पीछे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर LED लगे हुए हैं, और जो राइट में और लेफ्ट में ये जो लगा हुआ है ये बल्ब लगे हुए हैं नॉर्मल वाले, और ये LED है। तो फ्यूल गेज का अगर मैं बताऊँ तो ये वाले ऑपरेशन, ये 1, 2, 3 इस पर है, जहाँ पर है ऑफ, ओपन और ऑन। तो यहाँ पर से ऑब्वियसली आप इग्निशन ऑन करोगे, और ओपन में जब आप रखोगे तब आप ये फ्यूल का बटन दबाओगे तो ये फ्यूल गेज खुलेगा। तो ऑब्वियसली आप सब्जी वगैरह नहीं ले पाओगे, या फिर कुछ घर का सामान होगा तो वो ये बाइक पे नहीं ला पाओगे। ये एक एंथुजियास्ट की बाइक है और ये एक नया इरा क्रिएट करेगी। ये वाला जो प्लास्टिक है मुझे थोड़ा सा फ्लिमजी लगा, अगर आप देखोगे दिस कुड हैव बीन बेटर।
बट ठीक है, बाकी का तो फिट एंड फिनिश तो बहुत ही बढ़िया है बाइक का, मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर और एक कंपार्टमेंट दिया गया है जैसे आप लोग देख रहे हो, तो इधर आप कुछ छोटे मोटे सामान रख सकते हो, छोटा सा मोबाइल भी बैठ जाएगा, ऑब्वियसली बड़ा मोबाइल नहीं बैठेगा। इसका भी थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग यहाँ पर दिखेगा आपको, थोड़ा क्वालिटी थोड़ा सा हल्का है बट ओवरऑल काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर एक काइंड ऑफ मैट फिनिश दे दिया गया है, और अगर यहाँ पर भी देखोगे तो यहाँ पर भी एक मैट फिनिश दिया गया है, और यहाँ पर थोड़ा सा कार्बनिश काइंड ऑफ लुक दे दिया है अगर आप देखोगे। ओके, अंडर सीट स्पेस देखने के लिए हमें ये वाला बटन दबाना पड़ेगा, जिससे इससे आपका सीट पूरा खुल जाता है और आपको मिलती है 24.5 लीटर्स का स्पेस अंदर। प्रॉबेबली एक छोटा हेलमेट बैठ जाएगा अंदर, और फिर बाकी का जो भी सामान है वो भी बैठ जाएगा अंदर अच्छे से। सो दैट इज़ अ थम्स अप फ्रॉम यामा अगेन। तो आप लोग को क्या लग रहा है, लुक्स देख के आपको पसंद आ रही है या नहीं ये वाली जो मैक्सी स्कूटर है यामा की, दैट इज़ द एरोक्स 155, कमेंट करके बताइए आपको कैसी लग रही है ये वाली जो स्कूटर है उनकी लेटेस्ट। जैसे यहाँ पर आप देखोगे एग्जॉस्ट के ऊपर भी ये एक प्लेट दे दिया है जो कि हीटिंग से बचाएगा होपफुली। तो ये वाले एंगल से भी दिखा देता हूँ मैं आप लोग को, सेज रेव्स योर हार्ट, दिस एरोक्स 155 विल डेफिनेटली रेव माई हार्ट आई एम श्योर, अभी जब मैं लूँगा इसकी टेस्ट राइड। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे एरोक्स की बैजिंग है, यामा लूप ऑब्वियसली। तो अभी हम लोग देखते हैं इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो, तो यहाँ पर मैंने ऑन कर दिया है, जैसे आप देख रहे हो कि बहुत बढ़िया से चालू होता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। और ऑब्वियसली यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर दिख रहा है, ये एम्प्टी फ्यूल गेज दिख रहा है, टाइम दिख रहा है, टैकोमीटर है, और यहाँ पर जो है अगर आप ये वाला जो पास का नॉर्मली बटन होता है वहाँ पर आपको इसका ट्रिपोमीटर दिखेगा, आप नेविगेट कर सकते हो ये दबा के, टॉगल कर सकते हो रादर ट्रिप टू, जैसे ट्रिप एफ, फ्यूल इकोनॉमी, बैटरी वोल्टेज, और ऑब्वियसली आप इसको आपके फ़ोन के साथ कनेक्ट कर सकते हो ब्लूटूथ के थ्रू, वो सारे फीचर्स तो है ही। आप आपके यामा के ऐप के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, और जो भी प्रॉब्लम्स है आपके सर्विस इंटरवल्स है वो भी सारे देख सकते हो इसके साथ। ओनली थिंग इज़ जो डिस्प्ले है वो है सिंगल टोन, इट्स नॉट मल्टी कलर्ड, तो अपार्ट फ्रॉम दैट द डिस्प्ले लुक्स नाइस। अगर आप ये वाले जो बटन देखेंगे उसका भी फिट एंड फिनिश काफ़ी बढ़िया है। तो मैं अभी आपको इसका एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ कैसे रेव करती है ये। तो काफ़ी अच्छे से रेव कर रही है, अच्छा डिसेंट सा एग्जॉस्ट नोट है। आप लोग को कैसे लगा कमेंट करके बताइए आप इसका एग्जॉस्ट नोट। तो चलिए अब फटाक से मिलते हैं बाइक के ऊपर टेस्ट ड्राइव करते हुए। तो नाउ लेट्स राइड दिस बेबी। तो जैसे आप लोग नॉर्मली चढ़ते हो इसके ऊपर, यहाँ से चढ़ना पैर रख के थोड़ा दिक्कत होगा, तो इसको आपको पीछे से पैर डाल के चढ़ना पड़ेगा। वो मैंने इग्निशन चालू कर दिया है, काफ़ी साइलेंट है मशीन, तो दिखने में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी काफ़ी बढ़िया दिखता है अगर आप देखोगे तो। तो यस, पावर काफ़ी बढ़िया है, जैसे मैं थ्रॉटल दे रहा हूँ वैसे मुझे थ्रॉटल रिस्पांस अच्छा मिल रहा है, और द बाइक डजंट फील एट ऑल अंडर पावर्ड, काफ़ी अच्छा पावर है इसमें। तो एक एम्प्टी रोड मिला है मुझे यहाँ पर, थोड़ा भगा के देखते हैं। आई थिंक द स्पीडोमीटर इज किल्ड, सो आई एम सॉरी आई कैनॉट शो यू द स्पीड ओवर हियर, बट राइडिंग के लिए काफ़ी ऊंची है, मुझे इसका पोजीशन भी अच्छा लगा, थोड़ा सा आगे
झुकना पड़ रहा है मुझे, बट दैट्स ओके, आदत हो जाएगी उसकी भी. फॉर लॉन्ग टूरिंग ऑल्सो पीपल विल यूज़ दिस स्कूटर. टूरिंग के लिए काफ़ी यूज़ होगी ये बाइक, बनाई गई है लॉन्ग टूर्स के लिए. जो लोग नॉर्मली मोटरसाइकिल्स नहीं लेके जाना चाहते हैं वो लोग ये स्कूटर ले जा सकते हैं फॉर लॉन्ग टूर्स. आई वॉन्ट बी सरप्राइज. तो जैसे आप देख रहे हो अभी पीक ट्रैफिक है, इसमें जो लो एंड टॉक है दैट इज़ हेल्पिंग मी टू मैन्यूवर इन दी ट्रैफिक. काफ़ी अच्छे से जा रही है ट्रैफिक में, आई एम हैविंग नो इशूज़. इसका जो फुट रेस्ट है वो भी बढ़िया है. इसकी थोड़ी आदत डालनी पड़ेगी मैक्सी स्कूटर की. तो इसमें वो फीचर है जैसे आप लोग ने देखा, मैंने स्टैंड नीचे कर दिया तो ऑब्वियसली इंजन किल कर दिया. नॉर्मली हम ये बाइक्स में देखते हैं वो वाला फीचर इसमें भी है, विच इज़ अ गुड थिंग. सीट अगर मैं बताऊं तो काफ़ी चौड़ी है, जैसे आप देख रहे हो पीछे की भी सीट काफ़ी चौड़ी है. आई हैव नॉट हैड एनी इशूज़ विद दी कुशनिंग एज सच. कुशनिंग भी ठीक ठाक है सीट का. तो जैसे आप देख रहे हो कि पिकअप भी काफ़ी बढ़िया है. ब्रेकिंग के अगर बारे में बताऊं तो ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छी है. इसमें सिंगल चैनल ABS लगा है और स्पीड ब्रेकर टेस्ट भी करना था हमें, क्योंकि यहाँ पर महाराष्ट्र में काफ़ी स्पीड ब्रेकर्स होते हैं बड़े वाले. तो स्पीड ब्रेकर्स पे भी मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं लग रही है फिलहाल. तो द बाइक इज़ क्वाइट अ लुक. लोग पीछे मुड़ के देखते हैं इस बाइक को कि कौन सी बाइक चल रही है या फिर कौन सी स्कूटर चल रही है. पीपल आर इंक्विजिटिव, दे वांट टू नो कौन सी स्कूटर है ये. जैसे अभी खड्डों में भी जा रहा हूँ, पीछे डुअल शॉक ऑब्जर्वर्स दिए हुए हैं तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है. अच्छा शॉक ऑब्जॉर्प्शन है. तो दैट इज़ अगेन थम्स अप फ्रॉम बाइकर डैड लाइफ. बढ़िया है. मुझे तो ये एक स्कूटर के बेस में एक मोटरसाइकिल लग रही है, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें R15 का इंजन लगा है. सीट हाइट का अगर मैं बताऊं तो आई एम अराउंड 5'10" और मुझे थोड़ा सा पैर ऊपर रह रहे मेरे. तो आई थिंक शॉर्टर राइडर्स अगर होंगे तो उनको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, या फिर उनको थोड़ा आगे बैठना पड़ेगा. ऐसे मैं थोड़ा पीछे बैठा हूँ ज़्यादा. अगर आप आगे बैठोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बट आई लाइक टू सिट हियर जिधर मैं अभी बैठा हूँ. तो फॉर शॉर्टर राइडर्स थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है उनको पैर पहुँचाने में नीचे. लेडीज़ को थोड़ा इस पर चढ़ने उतरने में, मे बी साड़ी वगैरह पहन के करने में थोड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि ये जो आर्क है मैक्सी स्कूटर का इसके वजह से. तो जैसे मैंने कहा, एंथूसियास्ट ज़्यादा ख़रीदेंगे ये वाली स्कूटर. जो एप्रिला 160 के वगैरह बायर्स हैं वो वाले सेगमेंट में गिरेगी ये वाली. अच्छी लग रही है मुझे ये वाली एयरॉक्स 155. आपको क्या लग रहा है इस बाइक के बारे में, आप कमेंट करके बता सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में. हॉर्न ऐसा बजता है इसका अगर मैं आपको बताऊं तो ओजन ब्रेकिंग में अगर लगाऊं तो वहां पर भी खड़ी उतर रही है, अच्छे से रुक रही है. सिंगल चैनल ABS, इट्स डूइंग इट शाम. तो दिस इज एयरॉक्स इन दी सब्जी मंडी. कहां पर भी जा सकती है ये बाइक. आप इस पे सब्जी खरीद सकते हो, आप इस पे कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आप सब्जी रखोगे कहाँ, क्योंकि इसमें तो बहुत लिमिटेड जगह है सब्जी रखने की. दैट इज एन इशू. दैट वाज इट गाइस, दैट वाज द राइट रिव्यू. तो यस, दैट वाज द रिव्यू ऑफ द यामा एयरॉक्स 155. और हमारे साथ अभी है गणेश सर. हाय. गणेश जगताप साहब जो है वो सेल्स देखते हैं शेलार यामा का. तो अगर आपको कोई भी बुकिंग करनी हो तो मैं इनका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप बुकिंग कर सकते हो बाइक यहाँ पर. सो थैंक्स अ लॉट गणेश जी. थैंक यू. So that was it guys, that was the super review of the Yamaha Aerox 155. Hope आप लोग को अच्छा लगा. अगर अच्छा लगा हो तो don't forget to subscribe, bell icon भी hit कर दीजिए. थोड़ा सा help करिए guys, do subscribe and also follow me on Instagram. मेरे काफ़ी सारे updates आते हैं Instagram के ऊपर. My Instagram ID is BikerDadLife. There's an extra A in between. अपना ध्यान रखना and take care of your families too. Signing off from BikerDadLife. मिलते रहेगा आपका दोस्त. Take care. Bye-bye.